दोस्तों पिछले एक दो दिन से आप ट्विटर की कंट्रोवर्सी सुन रहे होंगे, इंडियन गवर्नमेंट वर्सेस ट्विटर, ट्विटर का अल्टरनेट भी आ गया है। कहां से ये पूरी, मैं एक तरीके से इसको लड़ाई ही कहूंगा, कहां से ये पूरी लड़ाई शुरू हुई और क्या है ये पूरी कंट्रोवर्सी, आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे। अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बिना टाइम वेस्ट करे चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं, फार्मर प्रोटेस्ट, किसान आंदोलन काफी चरम सीमा पर चल रहा है। यह पूरा खेल शुरू हुआ 31 जनवरी को। 31 जनवरी को गवर्नमेंट ने ट्विटर को कहा, एक नोटिस भेजा कि आप कुछ हैंडल्स हैं, कुछ ट्विटर अकाउंट्स हैं, उनको ब्लॉक कीजिए। क्यों? क्योंकि वो एक हैशटैग यूज कर रहे थे। हैशटैग है हैशटैग मोदी प्लानिंग फार्मर जेनोसाइड्स। ये एक कंट्रोवर्शियल हैशटैग है। सरकार का ये मानना था कि ये रूमर्स फैला रहा है और मिस इन्फॉर्मेशन ये हैशटैग स्प्रेड कर रहा है, तो इसके लिए आप, इसकी वजह से आप जो जो हैंडल्स, जो जो हैशटैग अकाउंट से जा रहे हैं, आप उनको ब्लॉक कीजिए। तो ठीक है, ट्विटर ने सरकार की बात मानी और लगभग 257 अकाउंट्स को ट्विटर ने ब्लॉक कर दिया। लेकिन 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 6 घंटे के बाद ट्विटर ने उन सभी अकाउंट को, तो मैं नहीं कहूंगा, लगभग अकाउंटों को वापस अनब्लॉक कर दिया और कहा अगर हम इन अकाउंट्स को ब्लॉक करेंगे तो इनके जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनका हम वॉयलेशन करेंगे, और ये लॉ को भी फॉलो कर रहे हैं, कानून को भी फॉलो कर रहे हैं, फ्री स्पीच एंड न्यूज वर्दी ये अकाउंट्स हैं, तो हम इनको ब्लॉक नहीं कर सकते। तो फिर से सरकार ने 4 फरवरी को ट्विटर को कहा, मामला शुरू हुआ था 31 जनवरी से, 4 फरवरी को फिर से सरकार ने ट्विटर को एक नोटिस जारी किया, नोटिस क्या, एक धमकी जारी की ट्विटर को कि ये अकाउंट है, लगभग 1178 अकाउंट है, आप इनको ब्लॉक कीजिए, ये खालिस्तान से रिलेटेड हैं, पाकिस्तान से रिलेटेड हैं, और अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो हम आपके खिलाफ कार्रवाई करेंगे और आपके जो एम्प्लॉयज हैं ट्विटर में, जो भी उच्च स्तरीय अधिकारी हैं, उनको 7 साल तक की सजा हो सकती है। ऐसा धमकी भरी वार्निंग, धमकी भरा नोटिस इंडियन गवर्नमेंट ने ट्विटर को दिया। तो फिर से क्या हुआ, वेडनेसडे को ट्विटर ने एक ब्लॉग में बताया कि हमने 500 अकाउंट हमने ब्लॉक कर दिए हैं सरकार के अकॉर्डिंग, जो सरकार ने बताया था वो हमने उन पर ध्यान दिया और हमने उनको ब्लॉक कर दिया है, लेकिन हमने उन अकाउंट्स को ब्लॉक नहीं किया है जो मीडिया कंपनीज थे, जर्नलिस्ट थे, एक्टिविस्ट थे या जो पॉलिटिशियंस थे, हमने उनके अकाउंट्स को ब्लॉक नहीं किया है। अगर हम ऐसा करेंगे तो वो उनके फंडामेंटल राइट्स को वॉयलेट करेगा, जो हमारा फ्री एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच, इन राइट्स को वॉयलेशन करेगा, ऐसा ट्विटर ने कहा। अब ये लड़ाई बढ़ती बढ़ती पार्लियामेंट तक पहुंच गई। पार्लियामेंट में इंडियाज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्टर ने पार्लियामेंट को बताया कि हमें ट्विटर के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए क्योंकि ये फेक न्यूज फैला रहा है, वॉयलेंस फैला रहा है, तो इसको हमें बैन करना चाहिए या जो भी एक्शन इसके खिलाफ है वो हमें लेना चाहिए। देखिए दोस्तों, इस बीच कुछ लोग ये भी मानते हैं कि ये सरकार का एक दाव है, एक पैच है किसान आंदोलन को कमजोर करने के लिए, क्योंकि आप देख सकते हैं ट्विटर के थ्रू कितने हैशटैग वायरल होते हैं किसान आंदोलन में। ऐसा मैं नहीं, न्यूज आर्टिकल्स बोल रहे हैं, ये मेरे पर्सनल एक्सप्रेशन, मेरे पर्सनल व्यूज नहीं है, ऐसा न्यूज वाले बोल रहे हैं या जो भी एक्टिविस्ट हैं या जो सरकार को अपोज करते हैं, ऐसा लोगों का मानना है। तो ये पूरा मामला चल रहा है और इसी की वजह से आप एक नाम सुन रहे होंगे पिछले दिनों से, KOO। अब मुझे नहीं पता इसे कैसे प्रोनाउंस करते हैं, कई को बोल रहे हैं, कई को बोल रहे हैं, मुझे नहीं पता, लेकिन लोग ये मान रहे हैं कि ये ट्विटर का अल्टरनेट वर्जन है और ये मेड इन इंडिया ऐप है, और बहुत सारे सेलिब्रिटीज ट्विटर के साथ साथ, ध्यान से सुनेगा, अभी ट्विटर बैन नहीं हुआ है, ट्विटर के साथ साथ इस प्लेटफॉर्म पर भी लोग आ रहे हैं। तो देखना ये होगा क्या ट्विटर बैन होगा, और ये थी पूरी कंट्रोवर्सी, और ये ट्विटर का ही इंडियन अल्टरनेटिव है KOO ऐप। आप देख सकते हैं येलो कलर की ये चिड़िया है,
ट्विटर में ब्लू कलर की चिड़िया थी। तो देखेंगे क्या रहेगा, कुछ भी अपडेट होगा मैं अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर आपको ज़रूर अपडेट दूंगा। ये मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, कर लीजिए फॉलो, क्या पता ट्विटर कितने दिन का है। फिर जहाँ पर ये नीली चिड़िया है यहाँ पर हो सकता है पीली चिड़िया आ जाए। तो चलिए दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते हुए जाइएगा। जल्दी मिलूंगा अगली किसी वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।